नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले 10वीं कक्षा का विषय हिंदी का फर्स्ट चैप्टर भारत महिमा उसका स्वाध्यायाभ्यास। तो चलिए देखते हैं हम स्वाध्यायाभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट अपना सूचना के अनुसार उपत्या कीजिए। फर्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। फर्स्ट, कहीं से हम आए थे नहीं। उत्तर है, हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यही के निवासी हैं। सभ्यता के प्रारंभ से हम यही रहते आए हैं। सेकेंड, वही हम दिव्य आर्य संतान। उत्तर, भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों के दिव्य संतान हैं। सेकेंड है, उचित जोड़ियां मिलाइए, मतलब संचय, अंत, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज और देव। फर्स्ट है संचय दान, सेकेंड सत्य वचन, अतिथि देव, रत्न तेज। थर्ड है लिखिए, कविता में प्रयुक्त दो तत्वों के नाम और भारतीय संस्कृति के दो विशेषताएं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट है लोहा और सेकंड है स्वर्ण। इसका आंसर है दानशीलता और सेकंड है अतिथि सत्कार। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। उत्तर, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे, देव वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिदिन में नदी की टेवा, हम भारतीय दीन दुखियों की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम यदि धन और संपत्ति का संग्रह करते भी थे तो दान के लिए करते थे। दानवीरता भारतीयों का गुण ही रहा है। महर्षि दधीचि और कर्ण जैसे दानवीर इसी भूमि पर हुए हैं। हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता था। भारतीय सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतान है। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था, हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। भारतीयों का मानना था प्राण जाए पर वचन न जाए। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विशेषण कीजिए। फर्स्ट है रचनाकार का नाम। उत्तर है जयशंकर प्रसाद। सेकेंड है रचना का प्रकार, उत्तर कविता। थर्ड, पसंदीदा पंक्ति, उत्तर योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संतुष्टि हो उठी अशोक। क्वेश्चन फोर है पसंदीदा होने का कारण। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उत्तर है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारे गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया है। यह कवि ने भारतवर्ष की विभिन्न परंपराओं का, भारतवासियों की प्रकृति की विशेषताओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जो संपूर्ण विश्व में भारत देश की महानता को प्रदर्शित करते हैं। पांच है रचना से प्राप्त संदेश। उत्तर, हमें सदैव अपने देश और उसकी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. इयत्ता 10वीच्या मराठी सेमी आणि इंग्रजी या माध्यमांच्या सर्व विषयांच्या स्वाध्यायाच्या नवनवीन व्हिडिओजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि वर्गमित्रांना शेअर करा.